सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुर्ती में कोट कॉलर कैसे बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो मटेरियल लिया हुआ है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। यहाँ पे हमने फ्रंट बैक कटिंग की हुई है, नीचे की साइड हमारी बैक साइड होगी और ऊपर हमारा यहाँ पे ये फ्रंट होगा, जिसमें हम कोट कॉलर वाला डिजाइन तैयार करेंगे। मैं आपको सबसे पहले, कई व्यूअर्स ने पूछा था कि आप शोल्डर कितना कटिंग करते हो हाई नेक में, तो ये हाई नेक की कुर्ती होती है। तो यहाँ पे जो हमने शोल्डर कटिंग किया हुआ है, 16.5 इंच का शोल्डर हमने कटिंग किया हुआ है, जिसमें हम कोट कॉलर तैयार करेंगे। और जो साइज है वो है, यहाँ पे ब्रेस्ट का नाप है 19 इंच, 19 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे 16.5 शोल्डर कटिंग किया हुआ है। और कोट कॉलर बनाने के लिए मैंने एक ये चेक वाला कपड़ा लिया हुआ है जो कि इसका मैचिंग होगा, और एक ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली हुई है जिसको पेपर फ्यूज भी बोलते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं बताऊंगा आपको, जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच की है और जो लंबाई होगी 11.5 इंच की होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे। कटिंग में दोस्तों, सबसे पहले हम जो हमारे पास पेपर पेस्टिंग है, इसके ऊपर हमें कटिंग करनी होती है हल्ले की। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से एक निशान लगाएंगे 3 इंच के ऊपर, ब्रॉड लेंथ वाला, इस तरीके से। और ये निशान डीप करेंगे हम 3.5 से 4.25 पे। और यहाँ पे इस प्रकार के हम राउंड शेप डाल देते हैं, इस तरीके से। अब हमें यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए देखना है कि डीप कितना रखना है। 1/2 इंच तो हमारा ऊपर सिलाई में चला जाता है, तो यहाँ से हम जो डीप रखना है, जैसे हमें 8 इंच रखना है, तो हम 8 इंच पे यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। और जितना हमने ब्रॉड लिया है बाहर की साइड, वहां से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस 8 इंच पे से यहाँ पे तकरीबन हम 2 इंच पे या 1.25 पे लगाएंगे, इस प्रकार से। इस निशान को हम यहाँ पे इस प्रकार की शेप डालते हुए इस तरीके से जोड़ लेते हैं। और नीचे की साइड थोड़ा हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है, तो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ये मार्जिन रख लिया है। बाहर वाले और अंदर वाले निशान पे हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले अंदर वाले निशान पे कटिंग करेंगे, अब हम बाहर वाले निशान पे कट करेंगे। इस प्रकार से हमने इस प्रकार की ये सेम कटिंग कर ली है अपनी। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये ज्वाइंट करना होता है, लेकिन ज्वाइंट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पेपर पेस्टिंग को, जो हमारे पास ये फैब्रिक है चेक वाला, इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों, हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग वाला पीस अपना पेस्ट कर लिया है चेक वाले कपड़े के ऊपर, ये देखो। और बाहर की साइड हमने 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन छोटा हुआ है। तो दोस्तों, कटिंग और पेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारी रह जाती है स्टिचिंग। तो अब मैं स्टिचिंग दिखाता हूं। स्टिचिंग में दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बाहर की साइड जो हमारा ये कपड़ा बचा होता है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। आगे भी इसी प्रकार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम कमीज का फ्रंट रखेंगे सीधी साइड, इस प्रकार से, और यहां पे इस तरीके से रखेंगे जो हमने ये पेपर पेस्टिंग वाला पीस लिया हुआ है, इसको इस प्रकार रखते हुए दोनों साइड हम यहां पे 1-1 इंच का निशान लगा लेते हैं। अब हमें
यहां पे सिलाई लगानी है, यहां से सिलाई शुरू करनी है और यहां तक लेके जानी है, यहां से इस प्रकार फिर वापसी लाते हुए यहां पे खत्म कर देना है। इस प्रकार हमने यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट की है। अब हम धागे कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारी पेपर पेस्टिंग है इसके साथ साथ इस प्रकार से कटिंग करेंगे। और यहाँ पे जो सेंटर की सिलाई है इसमें भी कट लगाएंगे सिलाई के नजदीक तक, और जहां पे नोक आती है यहां पे हम इस प्रकार का कट लगाते हैं दोनों साइड। इस कट का आपको ध्यान रखना है। कट में फिर से आपको बताना चाहूंगा, यहां पे कट हम इस प्रकार लगाते हैं कि सिलाई जो पलटने में हमें दिक्कत ना आए और यहां पे ठोका अच्छी तरीके से निकल जाए। सिलाई का ध्यान रखना है, सिलाई में बिल्कुल भी कट ना लगे, अगर लग भी जाता है तो सिलाई को दोबारा आप कंप्लीट कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप फिर से दोबारा से वीडियो देखें, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब हम इसको पलट लेते हैं, ये जो पेस्टिंग वाला पीस होता है हमारा, इसको हम अंदर की साइड इस प्रकार से पलट लेंगे नोक निकालते हुए। ये नीचे की साइड इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार दोस्तों पलटने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, सिलाई यहां से शुरू करेंगे और यहां तक सिलाई लगानी है हमें, क्योंकि आगे की साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ यहां से शुरू करके यहां पे खत्म करनी है, फिर यहां से यहां तक। इसी प्रकार दूसरी साइड भी। अब हम दोस्तों यहां पे शोल्डर से ज्वाइंट कर लेते हैं बैक में इस प्रकार। ज्वाइंट करने के बाद अब हमारा यहाँ पे कॉलर रह जाता है। कॉलर सबसे पहले हमें नापना है कितने इंच का लगाना है। यहाँ पे हम इस प्रकार से इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड के यहाँ पे ठोके मिलाते हुए और यहाँ पे हम कंधे भी मिलाएंगे इस प्रकार, हल्की सी यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, सिर्फ हल्की सी, जितनी चौड़ाई वाली ये सिलाई होती है सिर्फ उतनी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमें देखनी है कि हमें कितने इंच की कॉलर यहाँ पे लगानी है। कॉलर लगाने के लिए इस प्रकार इंची टेप रखेंगे और दोनों साइड से यहाँ पे पकड़ते हुए हल्का सा इसको टाइट करते हुए, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे 7.25 तक हमारा यहाँ पे कपड़ा आता है, तो 7.25 का डबल करते हैं तो ये हमारा 15.5 इंच का यहाँ पे कॉलर हमें ज्वाइंट करना है।
यहाँ पे दोस्तों पहले हम कॉलर कटिंग करेंगे, फिर पेस्टिंग करेंगे, फिर इसको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने पेपर पेस्टिंग का ही कॉलर कटिंग करना है। इस प्रकार डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, और तकरीबन हमारी 4 से 4.5 या 3.5 की भी यहाँ पे पेस्टिंग होनी चाहिए चौड़ाई वाली। हम इस प्रकार से एक निशान लगाएंगे 7.25 पे डबल फोल्ड करते हुए इस प्रकार, और यहाँ पे एक साइड से ये जो निशान लगाएंगे हम तकरीबन 1.5 इंच पे लगाएंगे इस प्रकार से। देखो यहां तक हमारी बैक साइड होती है तकरीबन 3 इंच तक, तो हल्का सा स्ट्रेट रखेंगे और यहां से हम इस प्रकार की गोलाई डालेंगे इस तरीके से। अब हमें नोक देखनी है, नोक आपकी इच्छा है, आप कितनी भी नोक यहाँ पे बना सकते हैं, इस प्रकार से ज्यादा भी बना सकते हैं कॉलर की नोक, और कम बनाना चाहे तो हल्की सी इसको सीधी इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैं यहाँ पे इतनी रखूंगा, और यहां से हम जो चौड़ाई रखेंगे तकरीबन 1.5-3 इंच की रख लेते हैं, इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। और यहां से इस प्रकार से हम ये कॉलर इस प्रकार सीधी लाइन लेके जाएंगे। कॉलर हमारा ऐसा होना चाहिए, यहां से हमारा चौड़ा होता है और वहां से कम होता है, इस प्रकार की आपको सेव यहाँ पे कटिंग करनी होती है। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट कर लेते हैं। अब हम जो हमने ये कॉलर कटिंग किया है इसको भी हम चेक वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पेस्टिंग कर ली है अपनी ये पेपर पेस्टिंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड सिलाई लगा लेंगे जो नोक वाली होती है उससे दूसरी साइड, इस प्रकार कपड़ा फोल्ड करते हुए। अब हम एक पीस इसी साइज का और लेंगे, उसको नीचे की साइड रखेंगे इस प्रकार से, और यहां पे हम पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम एक रील लेंगे, उसमें से इस प्रकार से धागे को डबल कर लेते हैं, और डबल करने के बाद हम यहां पे इस धागे को नीचे की साइड कॉलर के बीच में रखेंगे इस प्रकार, और यहाँ पे इस प्रकार से सुई के साथ जब हमारा ये धागा लग जाएगा यहाँ पे एक टांका लगाएंगे इस प्रकार से। अब हमारा सुई के दोनों साइड इस प्रकार से धागा घूमेगा। ये धागा हमें नोक निकालने के लिए डालना होता है, बारीक नोक हम आराम से आसानी से निकाल पाएंगे। अब इस धागे को हम एक साइड इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लेते हैं, और आगे की साइड यहाँ पे आगे सिलाई लगाएंगे। जो नोक वाला यहाँ पे टांका होता है हमारा, नोक वाले टांके में ये हमारा धागा यहाँ पे अटैच हो जाता है इस प्रकार से। अब हम आगे की साइड सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी इसी प्रकार धागा डालते हुए हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे बीच में हल्के हल्के इस प्रकार से कट लगाएंगे। यहाँ पे इसको नोक निकालते हुए बीच से पलट लेंगे। पलटने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारी अभी नोक नहीं निकली है,
नोक निकालने के लिए हमने जो धागा यूज किया था, जो डाला था धागा, उसको हम पकड़ के इस प्रकार से खींचेंगे तो यहाँ पे बारीक नोक हमारी इस तरीके से निकल के तैयार आएगी। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से। ये नोक निकालने का बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है और इससे आप बारीक नोक निकाल सकते हैं। अब हम इसको प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हमने गले को कॉलर को अच्छे से सेट कर लिया है और एक एक पैर का यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बाहर का कटिंग कर दिया है। अब हमें यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है। इस प्रकार हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे एक साइड से। दोनों का सबसे पहले सेंटर बनाएंगे, कॉलर का भी सेंटर बनाएंगे और जो हमारी कमीज है, जो कुर्ती है, उसका भी यहाँ पे बैक साइड में सेंटर बनाएंगे। अब हम यहाँ पे सीधी साइड ऊपर की साइड कमीज रखेंगे जो कुर्ती होती है और कॉलर भी यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे हल्का सा इसको ऊपर की साइड उठाते हुए यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो मार्जिन रखना है हमें एक पैर का ही रखना है, ज्यादा दबाव नहीं रखना है। सेंटर का ध्यान रखते हुए हम आगे की साइड सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये कॉलर ज्वाइंट कर लिया है जो कि इस तरीके से आएगा हमारा। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है जो कि नीचे की साइड, जो अंदर की साइड जो मार्जिन होता है हमारा, ये अंदर की साइड डालते हुए हमें ऊपर से यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। इस प्रकार हमने यहाँ पे कॉलर अपना बहुत ही सुंदर तरीके से कमीज के ऊपर ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सीधी साइड करने के बाद हमारा इस प्रकार से कॉलर आएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने कोट कॉलर यहाँ पे ये कंप्लीट किया है और ये डिजाइन हमारा तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।